भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में आदिवासी समुदाय की 5 दुर्लभ जनजातियां निवास करती हैं। इनमें जारवा, ग्रेट अंडमानीज, शोम्पेन, नॉर्थ सेंटिनलीज और ओंग जनजातियां शामिल हैं। पिछले दिनों ग्रेट अंडमानीज जनजाति के कुछ सदस्यों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से ये जनजातियां और इन जैसी अन्य जनजातियां फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। सवाल है, जिन्हें आम भाषा में दुर्लभ जनजातियां कहा जा रहा है, वो दुर्लभ कैसे हैं? कहां कहां ऐसी जनजातियां मिलती हैं और उन्हें बचाए रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये सारी जानकारी मिलेगी ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं अंजुम शर्मा। आम भाषा में अखबार वगैरह में जिन्हें दुर्लभ जनजातियां कहा जाता है, उन्हें आधिकारिक तौर पर विशेष संवेदनशील जनजातीय समूह या विशेष सुभेद्य जनजातीय समूह कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PVTG। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 75 जनजातीय समूह यानी PVTG के रूप में पहचाने गए हैं। ये PVTGs भारत के 18 राज्यों के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। इनकी पहचान की अनुशंसा की थी साल 1960-61 में गठित ढेबर आयोग ने। ढेबर आयोग ने कहा था कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी विकास की असमानताएं मौजूद हैं, इसलिए उन्हें चिन्हित किया जाना जरूरी है। ढेबर आयोग की अनुशंसा के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास के क्रम में पिछड़ चुकी जनजातियों को पहचाना गया और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के भीतर एक सब कैटेगरी बनाई गई, जिन्हें नाम दिया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। प्रिमिटिव का अर्थ होता है आदिम, लेकिन इस नाम पर बाद में आपत्ति दर्ज की गई। क्यों हुआ ऐसा? वो इसलिए कि किसी के चम्मच से चावल खाने के आधार पर आप हाथ से चावल खाने वाले को आदिम नहीं कह सकते। कहने का अर्थ है कि सबकी अपनी संस्कृति होती है, इसलिए उसके आधार पर किसी को विकसित या आदिम नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारत सरकार ने वर्ष 2006 में प्रिमिटिव शब्द को हटा दिया और नया नाम हुआ पर्टिकुलर एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी विशेष रूप से कमजोर या संवेदनशील या सुभेद्य आदिवासी जनजातीय समूह। अब सवाल है कि इनकी पहचान आखिर होती कैसे है? ध्येय IAS में अध्यापक और सामाजिक मुद्दों के जानकार श्वेता सिंह से जानिए। PVTGs या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह ऐसे जनजातीय समूह होते हैं जो आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव व मुख्य धारा से पृथक रहते हैं। शैक्षिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़े ये लोग प्राकृतिक संसाधनों तथा पूर्व कृषि तकनीक से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इनकी सबसे पहली पहचान UN ढेबर आयोग ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार इन समूहों की सर्वाधिक संख्या ओडिशा में है, जो कि 13 है। वहीं आंध्र प्रदेश में ये 12 की संख्या में पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह में जो PVTGs पाए जाते हैं, उनकी संख्या लगातार गिरते जा रही है और वो लुप्त प्राय हो रहे हैं। मुख्य भूमि में पाए जाने वाले पश्चिम बंगाल के टोटो और तमिलनाडु के टोडा जो हैं, वो भी 2000 से कम संख्या में हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाने वाले सहरिया जनजाति की संख्या 4 लाख से भी ज्यादा है। श्वेता सिंह जिन संकेतकों की तरफ इशारा कर रही थी, उन्हें ऐसे समझिए कि PVTGs में कृषि पूर्व प्रणाली का प्रचलन होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम, जैसे शिकार करके भोजन की कोशिश करना। दूसरा, इनकी जनसंख्या स्थिर रहती है या जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक होती है। तीसरा, इन समूहों में अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में साक्षरता का स्तर बेहद कम होता है। और चौथा, आर्थिक रूप से अन्य जनजातियों के मुकाबले ये काफी पिछड़ी होती हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि PVTGs के किसी भी स्तर की तुलना जब भी होगी, वो अपने से बेहतर अन्य जनजातियों से ही होगी। अब आते हैं इनकी जनसंख्या पर। तो वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से 75 PVTGs की कुल संख्या 27 लाख के आसपास है। यानी 75 विशेष कमजोर जनजातीय समूह हैं और उस समूह में कुल जनसंख्या 27 लाख के आसपास है। दरअसल साल 1975 में इन समूहों की संख्या 52 थी, फिर बाद में 23 समूह इसमें और जोड़े गए और इनकी कुल संख्या हुई 75। इस सूची में समूहों को राज्य सरकार की अनुशंसा पर जोड़ा या घटाया जाता है। अब सवाल है कि ये विशेष रूप से सुभेद्य या संवेदनशील यानी वल्नरेबल हैं क्यों? इसके कई कारण हैं, जैसे इनकी पारंपरिक आजीविका का खत्म होना, यानी ये वनों पर निर्भर रहते थे,
वो खत्म होती जा रही है। इनके आवासों का खत्म होना, ये सुदूर जंगलों में निवास करते हैं तो जमीन और उससे जुड़े संसाधन निरंतर कम हो रहे हैं, इसलिए इनका संवेदनशील होना लाजमी है और इस सब का असर पड़ता है इनके पोषण पर, जिससे इनके कुपोषित होने का खतरा बढ़ता जाएगा। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार शिकार और खाद्य संग्रहण का अभ्यास करने वाले इन समुदायों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में 24% की गिरावट आई है, क्योंकि जंगल गायब हो रहे हैं और वन्य जीव कम हो गए हैं। अब जबकि ये जनजातीय समूह इतने वल्नरेबल हैं, तो पीबीटीजीज के लिए सरकार कर क्या रही है, श्वेता सिंह से जानिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विकास योजना क्रियान्वित करता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकताओं का आकलन करना तथा उस आधार पर पीवीटीजी के लिए संरक्षण सह विकास सीसीडी वार्षिक योजना तैयार करना और उसके साथ ही मंत्रालय की परियोजना आकलन समिति द्वारा आकलन तथा अनुमोदन किए जाने की बात प्रस्तुत की गई है। पिछले कुछ वर्षों में हम देख सकते हैं कि जो विविध प्रकार के प्रयास किए गए उसके वजह से शिक्षा का स्तर इनका एकल अंक से बढ़कर 40% तक बढ़कर हो गया है। 1998-99 में एक पृथक सेंट्रल सेक्टर स्कीम या केंद्र क्षेत्र योजना चलाई गई थी और 2015 में इसी को संशोधित करके और प्रभावी बना दिया गया। इसके अतिरिक्त इनके संरक्षण के लिए तथा विकास के लिए हम देख सकते हैं कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, विशेष केंद्रीय जनजातीय उपयोजना अनुच्छेद 275 के अंतर्गत विविध प्रकार के सहायक अनुदान, ट्राइफेड जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसके अंतर्गत विविध प्रकार के आर्थिक हस्तक्षेप, ITDA मतलब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के तहत भी विविध प्रकार के हस्तक्षेप और जनजातीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा विविध प्रकार के आंकड़े और उनके आधार पर तैयार किए गए योजनाएं तथा अन्य भविष्य की संभावनाएं जो तैयार होती हैं वो भी इनके विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहती हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आदिवासी जनजातियों के लिए चलाए गए बहुत से कार्यक्रमों का लाभ पीबीटीजीज को नहीं मिलता। इसका कारण है कि पीवीटीजीज का जो दर्जा है वो संवैधानिक नहीं है। इसके अलावा कई बार एक पीवीटीजी एक से अधिक राज्यों में बिखरा होता है या फिर राज्यों के भीतर ही अलग अलग जिलों में, तो कई बार उनके वर्गीकरण और योजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याएं आती हैं। पीवीटीजी से जुड़े कुछ कानूनों की अगर बात करें तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया यानी पेसा 1996 और द अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 जैसे कानून शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक कमेटी के मुताबिक पीवीटीजी सबसे ज्यादा बांध, उद्योग और खनन जैसी विकास योजनाओं से प्रभावित हुए हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। पीवीटीजी की पूरी लिस्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।